जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र सत्यासमी धर्म ग्रंथ के पाठ में। और पिछले भाग में जो हमने महाप्रश्नों को जाना, फिर उसके बाद उसके महाउत्तर से जो हमने महाज्ञान प्राप्त किया वो यह थे कि भाई किस प्रकार पशु जो है वह परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ व पूर्ण अवस्था है और मनुष्य योनि किस प्रकार परमात्मा की निकृष्ट अवस्था है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य का सच्चरित होना परम आवश्यक है या नहीं। और आज इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी महाराज के आशीर्वाद से हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आप सब भी इसे श्रद्धापूर्वक सुने व श्रवण कर अपने जीवन को सफल करें। प्रश्न। यह सुनकर भगवान बोले कि हे सत्यई, तब वास्तविक ईश्वर क्या है वे उसकी प्राप्ति क्या है? उत्तर। सत्यई ने कहा, हे प्रभु, जब तक कुछ भी प्राप्ति की इच्छा है तब तक प्राप्ति के बीच व्यक्तिगत आनंद है और व्यक्तिगत आनंद की समस्त इच्छाओं के पीछे मन है और मन से माया है और मन में माया अर्थात मन इच्छा की माया शक्ति से कथित ईश्वर रूपी अनेक व्यक्तिगत रूप का उदय है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव अल्लाह गॉड आदि। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति का स्रोत किसी अन्य शक्ति को मानता है, जब तक उसमें अपनी प्राप्ति के लिए एक भय या शक्ति का आसरा या केंद्र रूपी ईश्वर का रूप रहता है, वह समझता है कोई और ईश्वर मेरी इच्छा की पूर्ति करेगा। और यही अज्ञान रूपी भ्रम को रखकर वह अपनी उपासना तपस्या करता है। और तपस्या में प्रत्येक साधक को, चाहे वह सचरित्र हो या अचरित्रहीन, वह संपूर्ण रूप से अपनी प्राप्ति की इच्छा पर मन की शक्ति को केंद्रित करता है। इसे मन की पूर्ण एकाग्रता के फलस्वरूप वह अपनी वरदान के स्रोत कथित ईश्वर को प्राप्त करता है और अपनी मनोकामना कहता है। चरित्रहीन व्यक्ति अपनी मनोकामना के अंतर्गत दो मनोकामना पूर्ति के विचार रखता है, जैसे कि मुझे अमरता चाहिए। वह जानता है आज तक कोई अमर नहीं हुआ है, तब वह स्वयं जानता है मेरा ईश्वर मुझे अमरता का वरदान नहीं देगा, अतः मैं ऐसा वरदान न प्राप्त होने पर अपनी दूसरी इच्छा कहूँगा और उस पर अटल रहूँगा कि मुझे मनुष्य जीव देव दानव ना मार पाए और पृथ्वी जल आकाश में ना मरूँ। इस प्रकार की इच्छा रूपी वरदान से स्वयं ही उसने अपनी मृत्यु को आने का स्थान छोड़ दिया, अतः उसका ईश्वर ये वरदान देता है और साधक स्वयं को अमर मान लेता है और अंत में अपने वरदान में छिपे विनाश की प्रतिक्रिया स्वरूप मृत्यु की प्राप्ति करता है। यहाँ पर मात्र एक ही रहस्य छिपा है, वह अपनी इच्छा पर अटल ना होना। जो मिल जाए वही सब ठीक, यही दूसरी इच्छा पर अटलता की चरित्रहीन की मृत्यु है, अन्यथा वह अवश्य अमर होता। सच्चरित्र में अमरता के वरदान का अर्थ मनुष्यता और प्रेम है, अतः वो वरदान की प्रतिक्रिया से बच जाता है और मृत्यु के समय भी प्रेम ही प्राप्त करता है। अतः यही कहना है कि चरित्र के दोनों पहलू सहचरित्र व चरित्रहीनता दोनों ही मन के अंतर्गत हैं। अतः यह मन का ही ईश्वर रूपी साक्षात्कार है। वास्तविक साक्षात्कार मन के अधिष्ठा आत्मा का साक्षात्कार ही संपूर्ण सत्य ईश्वर का साक्षात्कार है। आत्मा अर्थात स्वयं का साक्षात्कार ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति व प्राप्ति का कारक मैं ही हूँ। मुझ में अन्य सब जीव जगत आधार भी मैं ही हूँ तथा मेरे अन्य कोई नहीं है। तब मैं किसे प्राप्त करूँगा या किसका त्याग करूँगा? वह मैं ही आदि व अनादि हूँ और जीवन व मृत्यु मेरा ही परिवर्तन आनंद स्वरूप है। इस परम सत्य को जानना ही वास्तविक ईश्वर दर्शन कहलाता है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। महाप्रभु बोले, हे सत्यई, अब जनमानस में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि हम रूपी सर्वप्रथम मूल परमात्मा कब हुआ और जनक कौन है तथा मूल परमात्मा का अंत कब है? उत्तर। यह सुनकर महामयी सत्यई ने कहा कि हे प्रभु, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न धर्म इतिहास का सर्वप्रथम प्रश्न है। अतः इस प्रश्न का उत्तर है कि जो भी मनुष्य स्त्री हो अथवा पुरुष इस प्रश्न का सर्वप्रथम जिज्ञासु और प्रश्न का कर्ता है
वही मनुष्य सर्वप्रथम रूपी परमात्मा है। वही मनुष्य को अपने इस प्रश्न के उदय होने वाला आदि आत्मा माने, क्योंकि जिस मनुष्य के मन में अपने को जानने का ये अनादि प्रश्न मैं कौन हूँ का उदय हुआ है, वही मनुष्य अपनी इस अनादि उपस्थिति की आनंद इच्छा के कारण सर्वप्रथम ज्ञान में परमात्मा कहलाता है। और जिस मनुष्य ने अपने होने के अस्तित्व को मैं कौन हूँ यह जान लिया, वही नित्य परमात्मा है। और अर्थात अपने में जब अपना लय होने का अनुभव करता है, तब यही मनुष्य रूपी परमात्मा आत्मा की परम अवस्था अर्थात संपूर्णत प्राप्ति ही परमात्मा कहलाती है, का आनंद रूपी अंत है। इस उत्तर रूपी महाज्ञान का चिंतन करने पर मूल परमात्मा के आदि से अंत का महाज्ञान की प्राप्ति होना सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। अगला प्रश्न, महाप्रभु ने पुनः प्रश्न किया कि अनेक मनुष्यों में इस प्रश्न का उदय होने से वे सभी मूल परमात्मा होंगे, और जानने के बाद अनेक मूल परमात्माओं की संख्या वृद्धि से एक मूल परमात्मा कहाँ हुआ? उत्तर, यह प्रश्न सुनकर सत्तई ने कहा, जितने भी मनुष्य में इस प्रश्न का उदय होगा वो प्रश्न के प्रारंभ होने पर आदि या मूल परमात्मा कहलाएंगे, क्योंकि देखने में सही मनुष्य भिन्न हैं, परंतु आकृति से लेकर उनकी उपस्थिति व प्रश्न और जिज्ञासा तो एक ही है, अतः वे अनेक होते हुए भी एक ही कहलाएंगे, तथा प्रश्न का उत्तर की प्राप्ति पर अनेक से एक होने का ज्ञान अर्थात द्वैत से अद्वैत स्थिति की प्राप्ति पर जो अभेद अवस्था प्राप्त होगी, तब वह अज्ञानी मिट जाता है कि मैं कौन हूँ। तब सभी प्रश्नकर्ता एक ही महाज्ञान की प्राप्ति करते हैं कि मैं ही अनंत रूपम बटा हुआ हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं से मेरी आदि उत्पत्ति है, और जब मैं अपने में आत्मस्थ होकर मात्र मौन या कुछ भी जानने की जिज्ञासा या इच्छा नहीं होती, क्योंकि मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तब इस स्थिति में मेरा लय होना ही मेरा अनादि अंत है, तब मैं ही एकमात्र मूल परमात्मा हूँ। यही समस्त मैं का एकीकरण अनेक में होते हुए भी एक मूल परमात्मा कहलाता है, तब अनेकता का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। जैसे हम एक माता पिता की अनेक पुत्रियां होने पर जब किसी एक से प्रश्न पूछा जाए कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो वह कहेगा ये हैं, ऐसा ही सबसे अलग अलग प्रश्न पूछने पर यही उत्तर मिलेगा, और जब सबको एक साथ एकत्र कर पूछेंगे तब यही उत्तर एक साथ मिलेगा कि ये ही हमारे माता पिता हैं। यही सब अलग अलग होते हुए भी एकत्व का बोध कहलाता है। यही एकत्व मूल आदि अनादि परमात्मा स्वरूप मैं हूँ। तो आज हमने इस पवित्र 87वें धर्मग्रंथ पाठ में जाना कि वास्तविक ईश्वर दर्शन क्या है, और मूल परमात्मा उसका जनक कौन है, तथा मूल परमात्मा का अंत कब है। जो भी आपके मन में भ्रम है वो सब इस नियमित पाठ से दूर होंगे। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि लगातार नियमित पाठ इसका सुनते रहें, और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी अपने ज्ञान के सागर को भरते रहें, और हम पर आप सब पर स्वामी सत्येंद्र सत्साहिब जी का आशीर्वाद सदा ऐसे ही बना रहे। इसी कामना के साथ आज के इस पाठ का ही समापन करना चाहेंगे। जय सत्यम सिद्धायन में जय गुरुदेव।